आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल ने बीजेपी के नेताओं को कितना प्रभावित किया वो अलग विषय है, लेकिन गोदी एंकर महंगाई पर हल्ला बोल से काफ़ी खुन्नस खाए हुए दिखे। ये सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ रूम तक गोदी एंकरों की प्रतिक्रिया से पता लगाया जा सकता है। दिन रात धार्मिक विषयों पर उलझाने वाली डिबेट और खबरें करने के आदि गोदी एंकर महंगाई पर कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल से खबर करने से ज़्यादा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ट्रोल करने में ज़्यादा ध्यान लगा गए। दरअसल चीज़ों के बढ़े हुए दामों की लिस्ट गिनाते राहुल गांधी ने आटा की कीमत लीटर में बता दिया, लेकिन गनीमत रही कि तुरंत उसी क्षण उन्होंने भूल सुधार भी की और किलोग्राम का भी जिक्र किया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा का बीड़ा उठा चुके गोदी एंकरों की मौज का ठिकाना न रहा। लीटर को किलोग्राम सुधार देने वाले राहुल गांधी के वीडियो पार्ट को काटकर अधूरा वीडियो शेयर करते हुए गोदी एंकरों ने बताना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी आटा को लीटर में नाप रहे थे। पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं की फिसलती जुबान पर होंठ सिल लेने वाले गोदी एंकर राहुल की क्षणिक भूल सुधार को भी ट्रोल करने में भूल गए कि वो ट्रोलर्स नहीं, दरअसल देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के मुख्य पत्रकार हैं। इंडिया टीवी पत्रकार मीनाक्षी जोशी ने ट्रोल करने के लहजे में कहा, आटा यदि लीटर के भाव बताया जाएगा तो महंगाई पर कम, लीटर पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। जबकि एक यूजर ने उनको जवाब में लिखा, कृपया आप ट्रोलिंग ना करें, उन्होंने तुरंत भूल सुधार कर ली है। इस पर मीनाक्षी जोशी ने जवाब में कहा, हाँ सुधार कर ली, लेकिन ध्यान फिर भी जाएगा, राजनीति ऐसी ही चीज़ है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने जवाब में कहा, मोदी ने विदेश जाकर भारत की जनसंख्या 600 करोड़ बताकर आए थे, अमित शाह 12वीं के बाद इंटर कर रहे थे, तब आप कहाँ थी। इसके बाद न्यूज़ 18 पत्रकार शालिनी कपूर तिवारी ने आटा की पैकेट शेयर करते हुए राहुल गांधी को ट्रोल में लिखा, अभी अभी आटा 40 रुपये लीटर में खरीदा है, वो भी क्या दिन थे जब आटा किलो में मिलता था। टीवी 9 के आदित्य राज कौल ने बेझिझक राहुल गांधी का नाम लिखकर कहा, राहुल गांधी के लिए एक और आलू की फैक्ट्री वाला मोमेंट, आटे को लीटर में नाप लेना। टाइम्स नाउ की मुख्य संपादक नाविका कुमार भी पीछे नहीं रही, उन्होंने कहा, आटा को लीटर में नाप रहे हैं और सवाल मीडिया पर उठाते हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी का पूरा वीडियो देखने के बाद नाविका ने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया था। इसके बाद आर भारत की श्वेता भट्टाचार्य ने भी राहुल गांधी को ट्रोल करने में सामने आई, साफ शब्दों में राहुल गांधी को और ज्ञान अर्जित करने का आदेश दे दिया। वहीं एबीपी के अनुराग मुस्कान ने कहा, आटा की महंगाई से परेशान आम आदमी के आंसुओं से गीला हो गया है, 40 रुपया लीटर ही कहलाएगा। दोस्तों अब यहां से आपको तय करना होगा कि मजाक महंगाई से परेशान आदमी पर किया जा रहा है या राहुल गांधी पर। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का महंगाई पर हल्ला बोल कितना असरदार रहा ये तो समय बताएगा, लेकिन गोदी मीडिया ने ना चाहते हुए भी राहुल को महंगाई पर कवर कर दिया ये बेहद दिलचस्प है। पीएम मोदी की फिसलती जुबान पर होंठ सिल लेने वाले गोदी एंकरों की ये मौका परस्ती वाकई मजेदार है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये एंकर वाकई में उसी तरफ जा चुके हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने इसी संबोधन में किया था। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं।